जब इनके गृह मंत्री से पूछा जाता है जो ये बात आपने जो है सो चुनाव के समय में बोला था, तो बोलते हैं वो तो चुनावी जुमला था। तो इस तरह की सत्य और असत्य की राजनीति से जो है सो प्रेरित ये सरकार, इससे लोगों को क्या उम्मीद हो सकती है? 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात करके सत्ता में आए और जो है सो पूरे देश को बेरोजगार कर दिया। बहुत सारे विपक्षी पार्टी का आरोप है जो ये बहुत सारे घोटालों में संलिप्त है, ऐसा मुझे प्रतीत नहीं होता। लेकिन तेजस्वी अगर फुल फ्लेजर मुख्यमंत्री बनते तो बिहार के लिए अच्छा होता। गठबंधन सरकार में पूरी की पूरा नीतीश कुमार के अधीन है। नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि तेजस्वी को काम करने का मौका दे। लेकिन पता नहीं क्या इनके सिर में चलता है, माथा में चलता है। हमको लगता है कि मतलब जिस प्रकार से पृथ्वी का ध्रुव ऐसे चलता है ना, इसी पर इनके प्रधानमंत्री के दिमाग में कुछ न कुछ इस तरह का बात चलता है जो यहाँ से खास करके बिहार के लोग से बिना पूछे हुए बिना समझे हुए इस तरह का बयान देना इस देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि अपना जो है सो सेंट्रल गवर्नमेंट हक अदा नहीं कर रही है। एक्चुअली हमारे यहाँ पे बहुत सारे संसाधन होते हुए भी सेंट्रल का कुछ भी नहीं मिला और जिसकी वजह से हम लोग बहुत पीछे हैं और लगता है कि और पीछे ही होते जा रहे हैं। बैक ऑफ इंडिया है वो, जो जस के तस है वही रहना चाहिए। आपसी सांप्रदायिक सद्भाव, देश में एकता अखंडता बनी रहे, सभी जाति एक साथ रहे, देश की मतलब जो है अनेकता में एकता है। इसे तोड़ने वालों को जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। देखिए ये सब लग रहा है कि ये चुनावी मुद्दा है और एम्स के नाम पर राजनीति हो रही है। चूंकि सरकार अब बदल गई है बिहार में, कुछ दिन पहले जो बिहार में सरकार थी और अभी है वो बदली बदली सी है, इसलिए भी हो सकता है कि सरकार बदल गई है इसलिए केंद्र सरकार की मंशा हो कि बिहार में एम्स जैसे संस्थान नहीं खुले और बिहार जस के तस रहे। हिंदुस्तानी मीडिया में आपको शाहिद कमान अभी हमारे साथ मौजूद हैं। अब देख सकते हैं कि कई लोग हमारे साथ हैं, अभी हम इनसे बात करेंगे। सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर नाम बता रहे अपना? कन्हैया झा। झा जी एक चीज बताइए कि अगर बात की जाए तो जो सेंट्रल की केंद्रीय सरकार है और बिहार सरकार है, केंद्र में पिछले 9 साल से आदरणीय नरेंद्र मोदी की हुकूमत है, बीजेपी की सरकार बनी हुई है वहाँ। और यहाँ बिहार की बात करें तो बिहार में भी उनकी रही है, गठबंधन की सरकार रही है, लेकिन फिलहाल यहाँ उठापटक हमेशा चलता रहा है। बात मुद्दा यह है कि बिहार को क्या मिला, केंद्र सरकार ने बिहार को क्या दिया, बिहार में कितना डेवलपमेंट हुआ, क्या इस डेवलपमेंट में केंद्र सरकार सही से हक अदा कर रही है? नहीं, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि अपना जो है सो सेंट्रल गवर्नमेंट हक अदा नहीं कर रही है। एक्चुअली हमारे यहाँ पे बहुत सारे संसाधन होते हुए भी सेंट्रल का कुछ भी नहीं मिला और जिसकी वजह से हम लोग बहुत पीछे हैं और लगता है कि और पीछे ही होते जा रहे हैं। और थोड़ा सा स्टेट गवर्नमेंट का जो अपना है वो काम कर रही है अभी फ़िलहाल और पहले भी कर रही थी, तो सिर्फ वो स्टेट गवर्नमेंट के ही माध्यम से हम लोगों का जो भी विकास हुआ स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से। दूसरी तरफ हम बात करें अगर गुजरात की बात करें, गुजरात भी एक स्टेट है, फिर वहाँ डेवलपमेंट इस तरह से किया जा रहा है, इसको क्या बोलिएगा? नेचुरली है उनका पर्सनल जो गुजरात के खुद प्रधानमंत्री हैं और ये थोड़ा सा भेदभाव हो ही जाता है। हमें लगता है कि ये भेदभाव की ही बात है कि ऐसा हो रहा है कि बिहार को एक दूसरे तरफ से देखा जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से। चूंकि एक तो सरकार भी बीच में ऐसा हुआ कि सरकार भी टूटती रही, पहले उनका सरकार था फिर सरकार भी टूट गई, तो नेचुरली वो जो है सो थोड़ा सा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार हो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री अगर तेजस्वी यादव की बात की जाए, तो इन लोगों की कोशिश से बिहार में नौकरी भी मिली है और बेहतर ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छी तादाद में नौकरी मिली है, जहां अलग अलग राज्य से लोग नौकरी लेने के लिए अभी परीक्षा हुआ है बीपीएससी का, इसमें आए हैं। इसमें तेजस्वी का इसका श्रेय तेजस्वी को बहुत ज़्यादा जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा जोर दिया। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री ने वादा किया था 2 करोड़ नौकरी का, उन्होंने नहीं दिया, इस पर क्या कहेंगे आप? हाँ बिल्कुल, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे साथ भेदभाव किया जिसकी वजह से ये समस्या आई। अभी जो भी बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ उसमें लोग यूपी से भी आए, एमपी से भी आए, हमारे यहाँ पे हमने देखा कि मधुबनी में लोग आए हुए थे, तो स्टेट गवर्नमेंट ने उस काम को जो है सो वो कर रही है, सफलतापूर्वक कर रही है संचालन। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हमें कुछ ऐसा भी जो है सो कोई भी जो जॉब का ही हुआ तो उस हिसाब से नहीं मिल पा रहा है। लेकिन क्रेडिट लेने की बात होती है तो बिना बने एम्स तो बना नहीं मधुबनी में या दरभंगा में, एम्स बना नहीं बिहार में, दरभंगा की बात थी तो एम्स बना नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री ने ये भी कह दिया कि दरभंगा में एम्स बन गया है, चालू हो गया है, इस पर क्या कहेंगे आप? हाँ नहीं, वो उनको शायद आइडिया नहीं होगा
होगा, वो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री क्रेडिट लेने की बोल दिया होगा उन्होंने, अपने बोलने के क्रम में बोल दिया होगा कि हाँ ठीक है भाई हमने एम्स भी बना दिया, चालू भी कर दिया है, पॉसिबल है। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनिल कुमार झा है। सर अगर बात करें बिहार की बात करें तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने एम्स के लिए जमीन का भी इंतजाम कर दिया है, अगर देर हो रही है इसके लिए जिम्मेदार कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर बिहार गवर्नमेंट? कितना गिना है, आज हम लोग देख रहे हैं सिर्फ एम्स की बात नहीं है, यदि बिहार में बेरोजगारी की बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे समस्याएं हैं जिस पर जो हम ध्यान आपका आकृष्ट कर सकते हैं। जी बोले ना आप, बोले। पहला मुद्दा आप देख लीजिए एम्स की, एम्स यदि मिथिलांचल में हो जाता तो हम लोग को बहुत खुशी होती, फायदा भी बहुत होता, इसमें बीजेपी वाले भी लोग हैं या आम जनता है सबको इससे खुशी होता जी, जी। लेकिन पता नहीं क्या इनके सिर में चलता है, माथा में चलता है, हमको लगता है कि मतलब जिस प्रकार से पृथ्वी का ध्रुव ऐसे चलता है ना, इसी पर इनके प्रधानमंत्री के दिमाग में कुछ न कुछ इस तरह का बात चलता है जो यहाँ से खास करके बिहार के लोग से बिना पूछे हुए बिना समझे हुए इस तरह का बयान देना ये देश के लिए दुर्भाग्य की बात है, और ये बिहार की बात नहीं है, शायद हमको लगता है कि मीडिया का मैसेज तो ऊपर जाता है, ये मैसेज बिहार से पटना से दिल्ली गया होगा और दिल्ली से विदेश में भी जाएगा, जाता ही है तो विदेश में भी झूठ का ही बात होगा, तब जो बात बोलेंगे तब वहां क्या हो जाएगा, सिर्फ एक बात, हिंदू और मुस्लिम, यह कह करके लोगों को दीर्घ भ्रमित करके अपना पब्लिक का चाहते हैं कि वोट हमको लें और गद्दी पर सब दिन हम बैठे रहें। सर मुझे ये पता नहीं कि आप, हर इंसान किसी न किसी पार्टी से जुड़ा होता है आज के दौर में, मुझे ये पता नहीं, पूछना भी नहीं है कि आप किस पार्टी से जुड़े हुए, एक चीज बताइए आप मुझे बहुत ईमानदारी से बताइए कि तेजस्वी यादव नौजवान है, अभी जो नौकरी चाहे स्वास्थ्य महकमा हो चाहे बीपीएससी शिक्षक की नौकरी हुई मिली है लोगों को, एग्जाम दिया है, भले ही बीपीएससी का एग्जाम दिया अच्छी बात है, आपको लग रहा है कि तेजस्वी कुछ अच्छा कर रहा है? देखिए इसमें तेजस्वी के साथ मुख्यमंत्री भी नीतीश जी भी हैं महागठबंधन महागठबंधन वो सारे आदमी मिलकर अच्छा कर रहे हैं खास करके अभी बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ है उसमें हम लोग मधुबनी में देखे हैं, रात में संयोग से स्टेशन के नजदीक हम 10 बजे रुके हुए थे, पूरी यूपी की बात तो छोड़िए दूर दूर पूरे हिंदुस्तान के लोग आए थे यहाँ पर, और रहने की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं थी, मतलब रात लोगों ने घर दिया और पानी रात में हो रहा था, स्टेशन पर लोग रहे फिर भी परीक्षा देने के लिए गए, क्या सिर्फ बिहार के लोगों के लिए ही नहीं था जो नौकरी मिल जाए, गुजरात में भी लोग थे उसमें, हाँ गुजरात के लोग होंगे निश्चित रूप से भरे होंगे आए होंगे, हाँ हमारे तो कुछ यूपी के लड़के लड़की से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा जो बगल में होटल है हम बोले सब कुछ फुल है आज कहीं नहीं मिलेगा, तो लगभग में 8 लाख अभ्यर्थी पूरे बिहार में परीक्षा देने के लिए आए थे जिनके नसीब में होगा। अच्छा सर आप काफी लग रहे हैं काफी तपे हुए हैं, सियासी गलियारी की जानकारी रखते हैं आप, इसी बताएं आप मुझे कि जनगणना जिसको आर्थिक जनगणना हो या फिर जनगणना की बात हो, जनगणना का ये फॉर्मूला ऐसा कहा जाता है कि ऐसे लोग जो दबे हुए हैं अगर हम 1 to 10 मान लें जो 10 नंबर पे हैं उसको भी मदद करने का मौका सरकार को मिलेगी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जनगणना में शिक्षक को लगाया गया और शिक्षक जो यहाँ के हैं सो मतलब अच्छा काम करते हैं, बच्चे को पढ़ाते हैं, इन्होंने बिहार सरकार को साथ दिया, अपने अपने वार्ड में जाकर के पर्यवेक्षक है, हर घर जाकर के उनके पारिवारिक स्थिति की जानकारी ली और हर कॉलम में उन्होंने दिया लिख दिया, उसका फायदा मिलेगा ना, उसका निश्चित रूप से फायदा मिलेगा, अच्छा ये एक नंबर अच्छा काम। आखिरी कमेंट पूछे आपसे, इस काम पर भी ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा सरकार ने बहुत रोकने का काम किया है, क्या लग रहा है ये गलत है? इसके पीछे एक ही कारण है, क्या कारण? यदि सरकार ये देख रही है कि मतलब कहीं पर मेरा वोट बैंक खिसक रहा है अच्छा या ट्रांसफर हो जाएगा महागठबंधन में, तो उसको
मैं अति पिछड़ा के नाम पर, महादलित के नाम पर, इसीलिए वो नहीं चाहते हैं जो कि ये सब बात हो। इसमें सब हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, हर तबका के लोग हैं, तो इसको ऐसे ड्रॉप करके जो है सो मतलब इस तरह की बात की जाती है जो मतलब लोग समझे नहीं, और हम जो है सो अपना काम तमाम कर रहे हैं। थैंक यू सर। कहेंगे आप क्या लग रहा है 2024 का चुनाव होना है? देखिए तो देश की जनता तय करेगी, जनता तय करेगी। जनता जो हालत देख रही है देश की, आप बिहार के, बिहार में के रहने वाले आप हैं, बिहार को की जिस तरह से उपेक्षा की जा रही है, अगर आप केंद्र सरकार की बात करें तो गुजरात एक मॉडल बन जाए, बिहार मॉडल ना बने, इसकी में किसकी गलती है, बिहार सरकार की या सेंट्रल की? इसमें दोनों की गलती है, दोनों की गलती है। इसलिए कि मान लीजिए विगत 17 साल से केंद्र में भाजपा और राज्य में जदयू सरकार यानी कि नीतीश कुमार दोनों ने गलवहियां जोड़ करके बिहार में सरकार में रहा। अब उनकी मतलब जो है मंशा साफ नहीं है सरकार की, जो हम बिहार को मतलब अच्छे रास्ते पर ले जाए, सही रास्ते पर ले जाए, इसमें कहीं ना कहीं दोनों की विफलता है। अभी तो यहाँ गठबंधन की सरकार में तेजस्वी जैसे नौजवान है, उप मुख्यमंत्री हैं, लोग चाहते हैं कि वो आने वाले वक्त में वो यहाँ के मुख्यमंत्री भी बने। क्या लग रहा है तेजस्वी जिस तरह से काम कर रहा है, लोगों को देखिए यहाँ अभी वैकेंसी हुई है, लोगों को नौकरी भी मिलना शुरू हो गया है, बाहर बाहर राज्य से लोग यहाँ आ रहे हैं, क्या लग रहा है तेजस्वी को, क्या लग रहा है आपको? देखिए तेजस्वी को साफ सुथरा छवि के हैं तेजस्वी जी, बहुत सारे विपक्षी पार्टी का आरोप है जो ये बहुत सारे घोटालों में संलिप्त है, ऐसा मुझे प्रतीत नहीं होता है। लेकिन तेजस्वी अगर फुल प्लेजर मुख्यमंत्री बनते तो बिहार के लिए अच्छा होता। गठबंधन सरकार में पूरी की पूरा नीतीश कुमार के अधीन है, नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि तेजस्वी को काम करने का मौका दे। नीतीश कुमार ऑफिसर के माध्यम से बिहार में सरकार चलाते हैं, इसी का कारण है कि बिहार का सारा विभाग में भ्रष्टाचार और एक भी जनता का बिना पैसा दिए हुए काम किसी भी ऑफिस में मतलब आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव अगर फुल फ्लेज मुख्यमंत्री बनता है तो बेहतर होता। यहाँ की जनता को क्या आप संदेश देंगे? जनता बहुत बड़ी बात, जनता को यही संदेश देंगे जो विगत मैंने 15 साल लालू जी का भी मैंने शासन देखा, जो दबे कुचले शोषित उन्होंने आवाज दी, लेकिन अभी परिस्थिति बदल गई है। नीतीश कुमार विगत 17 साल से बिहार के राजनीति में जाति पाति अगरा पिछड़ा दलित महादलित कर करके समाज को खंडित किया, और पूरे भ्रष्टाचार का जनक नीतीश कुमार है, इन्होंने बिहार को बर्बाद किया है, बेरोजगारी दिया, आज बिहार के नौजवान भेड़ बकरी की तरह लद कर दूसरे राज्य में जाते हैं, वहाँ उनको लात मारा जाता है, अपमानित किया जाता है बिहारी समझ के। कल तमिलनाडु, मणिपुर, असम, कर्नाटक, महाराष्ट्र में बिहारी को मारा जाता था, इज्जत लूटा जाता था, वो दिन दूर नहीं जब यूपी में, मध्य प्रदेश में भी बिहारी के साथ वही स्थिति होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। तो जनता तय करेगी किसे केंद्र में रखना है, किसे नहीं रखना है, ये मेरा अभी जनता ही है, हम जनता है। तो व्यक्तिगत हम जो है संविधान जो अभी देश में है, बहुत सारे हमारे बुद्धिजीवी और जो आम जनता जो कम पढ़े लिखे वो भी जानता है जो हमारे संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। तो आप अगर SC ST जो मतलब इंडिया इज कॉल्ड भारत, हाँ बिल्कुल इंडिया इज कॉल्ड भारत, दोनों को मानते हैं, इंडिया इज कॉल्ड भारत, हिंदुस्तान, लेकिन तीनों के हम सहमति हैं, इंडिया इज कॉल्ड भारत, आपके इसमें जो लिखा हुआ है इंडिया इज कॉल्ड भारत, ये पहले ही पेज में लिखा हुआ है इंडिया इज भारत, फिर चेंज करने की क्या जरूरत है? कोई जरूरी नहीं है मुझे इंडिया हिंदुस्तान भारत करने, मुझे कुछ कोई अति नहीं, आवश्यकता उन लोगों का है। आपके प्रधानमंत्री को है ना? प्रधानमंत्री तो बिल्कुल है, देश के जो प्रधानमंत्री से स्वीकार कर, प्रधानमंत्री को जरूरत है कि उसको चेंज कर दिया जाए, उनकी अंदरूनी मानसिकता, इस पर हम कुछ नहीं कर रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को चेंज कर दीजिएगा, ये उनका अंदरूनी मतलब अभी आप पब्लिक हैं, अपना ओपिनियन दीजिए ना, ये नहीं चेंज नहीं हो, नोटबंदी करवाइएगा फिर, नहीं पुनः नहीं, न्याय संगत नहीं। तो अगर न्याय, अगर नोटबंदी नहीं कराइएगा आप, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट पर लिखा हुआ जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब संविधान में जो चीज इंगित करके गए हैं, संविधान जिस प्रकार लिखे हैं, यही संविधान पदाधिकारी होनी चाहिए, बैंक ऑफ इंडिया है वो, जो जस के तस है वही रहना चाहिए, आपसी सांप्रदायिक सद्भाव, देश में एकता अखंडता बनी रहे, सभी जाति एक साथ रहे, देश की मतलब जो है अनेकता में एकता है, इसे तोड़ने वालों को जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। ठीक है, धन्यवाद। आइए हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, हम बात करते हैं। सर स्वागत है आपका, धन्यवाद। सर ये बताएं आपके सेंट्रल में केंद्र सरकार की बात की जाए तो वहाँ भाजपा की सरकार है, पिछले 9 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, आप बिहार के मधुबनी में हैं, मित्रांचल से बिलोंग करते हैं आप, बिहार, आप ये बताएं मुझे कि बिहार में इस 9 साल के अंदर किस तरह से डेवलपमेंट हुई? देखिए आपने सबसे पहली बात कहा कि सेंट्रल में
मोदी जी की सरकार है और मुद्दे बिहार के हैं। बिहार में भी पूर्व के 15 साल पहले के सरकार के बाद जो सरकार आई वह सरकार भी उनके समर्थन से ही चल रही थी। तो बिहार के परिदृश्य में जहाँ तक मेरा मानना है, मैं जिस समाज से बिलोंग करता हूँ SC ST संगठन की ओर से, मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी जो देश या प्रदेश की हालात है उसमें देश की स्थिति ठीक नहीं है। इस मायने में ठीक नहीं है कि आज संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, SC ST के रिजर्वेशन पर जो है सो बहुत प्रहार हो रहा है। सर एक बात हम बात करेंगे, अगर आप रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं तो बिहार सरकार खास करके आप ये उप मुख्यमंत्री और जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव वगैरह मिलकर के जनगणना करवाने का जो है उन्होंने शुरुआत कराया, जनगणना कराया भी है। और इसका असल मकसद यही है कि ऐसे लोग जो दबे कुचले हैं उनको उठाया जा सके। बिहार सरकार के इस काम की बहुत जगह तारीफ हो रही है, बहुत लोग तारीफ कर रहे हैं, लेकिन इस काम को भी बाधित करने का प्रयास भाजपा वालों ने किया, ऐसा इल्जाम है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले भी जो सरकारें आई और अभी भी जो सरकार है, मेरा मानना है कि कुछ प्रतिशत लोग ही हिंदुस्तान में जिनकी संख्या नगण्य के बराबर है, वह शासन में रहकर इस वर्ग के साथ भेदभाव किया है और वह कभी भी नहीं चाहेंगे कि जातीय जनगणना जो है उसको उजागर किया जा सके, प्रकाशित किया जा सके। अगर वह प्रकाशित हो जाता है तो हमारा जो दलित पिछड़ा अकलियत समाज है वह जान जाएगा कि हमारी ताकत पूरे हिंदुस्तान में इतनी है और हम अपने कब्जा में ले सकते हैं। इस बात को आप खोल कर क्यों नहीं कह रहे हैं कि ये भाजपा ही रोक रही है कि कुछ बोल रहे हैं कुछ मुट्ठी भर लोग, तो भाजपा ही ने विरोध किया था? नहीं, वैसे ही मुट्ठी भर लोग उस संगठन के साथ जुड़े हुए हैं, जो आज कहीं सत्ता पर लग जाएगी तो हो सकता है कि वो लोग बुद्धिजीवी हैं। बिहार सरकार तेजस्वी की जो कोशिश है ये सराहनीय कोशिश है कि नहीं? बिल्कुल ही सराहनीय है। पूर्व में भी इनकी जो सरकार थी बहुत पहले, उस समय में दबे कुचले लोगों को मौका मिला था, MLA बने, मंत्री बने और गांव गरीब के लोग जो है अधिकारी के साथ ऊंची आवाज में अपने अधिकार को मांगते थे। काफी तजर्बेकार लग रहे हैं, एक बात और जानना चाहेंगे, बिहार को देखिए आप और गुजरात को देखिए, दोनों का कंपेयर कीजिएगा तो लगेगा गुजरात काफी डेवलप्ड है, बिहार डेवलप नहीं है, क्यों, ऐसा क्यों? देखिए, बिहार के साथ केंद्र में जो भी सरकार आई वह भेदभाव हुआ है, बिहार के साथ अन्याय हुआ है। सरकार को चाहिए कि निष्पक्ष भाव से जो प्रदेश पिछड़ा हुआ है उसके उत्थान के लिए हम पैकेज दें, स्पेशल पैकेज दें, जो बिहार को अब तक नहीं मिला उसकी आवश्यकता है। आज भी सरकार बिहार को अगर स्पेशल पैकेज देती है तो बिहार भी गुजरात जैसे और भी विकसित जो है राज्यों की तुलना में वेल डेवलप्ड। आखिरी बात जानना चाहेंगे आपसे कि बिहार के दरभंगा में एम्स बनने की बात है, बिहार सरकार ने जमीन भी दे दिया, बनवाने का काम जो फंड देगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, मोदी जी अनाउंस कर दिया कि दरभंगा में एम्स बनकर तैयार है, सच्चाई क्या आपके सामने है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये सब लग रहा है कि ये चुनावी मुद्दा है और एम्स के नाम पर राजनीति हो रही है। चूंकि सरकार अब बदल गई है बिहार में, कुछ दिन पहले जो बिहार में सरकार थी और अभी है वो बदली सी है, इसलिए भी हो सकता है कि सरकार बदल गई है इसलिए केंद्र सरकार की मंशा हो कि बिहार में एम्स जैसे संस्थान नहीं खुले और बिहार जस के तस रहे। आखिरी सवाल कर ले आपसे, 2024 में जो है फिर चुनाव होना है, क्या लग रहा है इस बार किसका? देखिए, जहाँ तक 24 का चुनाव है, हम लोगों का मानना है कि जो समाज वर्षों से उपेक्षित रहे वंचित रहे हैं अगर वह जगेंगे तो केंद्रीय सत्ता में परिवर्तन जरूरी है। क्योंकि जिस रास्ते पर सरकार जा रही है, निजीकरण में कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं है और पूरे देश की सारी संस्थाओं को सरकारी संस्थान को बेचा जा रहा है, ऐसी परिस्थिति में अपने अधिकार के लिए, संवैधानिक अधिकार के लिए, संविधान को बचाने के लिए दलित पिछड़े अकलियत के भाइयों को सड़क पर आना पड़ेगा और 2024 के चुनाव को टारगेट में लेकर के इस सरकार को हटाने की आवश्यकता। सर क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम डॉक्टर विजय शंकर पाल। अरे, हमारे साथ एक शख्स और मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर परिचय से पहले हम एक बात जानना चाहेंगे, महागठबंधन की सरकार है बिहार में, स्वाभाविक है महागठबंधन में कांग्रेस भी शामिल है, RJD भी शामिल है और JDU भी शामिल है और भाजपा की सरकार केंद्र में है। भाजपा की नीति बिहार के प्रति कैसी रही है आप बेहतर बताएंगे। केंद्र सरकार जब से सत्ता में आई है
दुर्भावना से प्रेरित है। जब तक नीतीश कुमार जी उनके साथ थे तो यहाँ विकास की बातें होती थी, और जैसे ही वे उनसे अलग हुए तो उन्होंने बिहार को फंड देना बंद कर दिया। ये दुर्भावना उनकी हर स्टेट में, जैसे कहीं दूसरे पार्टी की जहाँ सरकार है वहाँ भी उनका यही रवैया रहता है। वो डबल इंजन की बात ज़रूर करते हैं, तो जहाँ उनकी पार्टी की सरकार होती है वहाँ जो है सो घोषणाओं की झड़ी लगाते हैं, और बाकी मिलता क्या है वो स्थिति वहाँ भी एक ही तरह की रहती है। लेकिन जहाँ विपक्ष में विपक्षियों की सरकार होती है, उनके विरोधियों की सरकार होती है, वहाँ से जो है सो उनका सोतेलापन जग जाहिर है। यूपीए की जब सरकार थी हमारे देश में, तो यही एनडीए की सरकार बिहार में थी 2004 में, उस समय में पूरा फंड मिलता था, पूरा फंड मिलता था, और एनडीए की सरकार खर्च नहीं कर पाती थी, पैसा खर्च नहीं कर पाती थी, पैसा वापस चला जाता था। तो ये सिस्टम है, दोनों सरकारों के चलाने और देश हित की बात की जो ये करते हैं, तो देश हित में जो है सो कांग्रेस पार्टी शुरू से जो है सो देश हित की बात करती है। सरकारें किसी की हो, पक्ष की हो, विपक्ष की हो, जनता के हित में काम करना उसका उद्देश्य रहा है। और एनडीए गठबंधन का जो है सो सिर्फ जुमलेबाजी है। 2014 में जब से ये सरकार सत्ता में आई है तब से जो है सो झूठ बोलना, जुमलेबाजी करना इनका नैतिक कर्तव्य बना हुआ है। और जब इनके गृह मंत्री से पूछा जाता है, जो ये बात आपने जो है सो चुनाव के समय में बोला था, तो बोलते हैं वो तो चुनावी जुमला था। तो इस तरह की सत्य और असत्य की राजनीति से जो है सो प्रेरित ये सरकार, इससे लोगों को क्या उम्मीद हो सकती है? 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात करके सत्ता में आए और जो है सो पूरे देश को बेरोजगार कर दिया। सर, आप जैसे लग रहा है कि आप पार्टी से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी से उठ करके अगर देखेंगे तो आप एक जनता भी है, पब्लिक भी है, अच्छे पब्लिक आप हैं, ठीक है, आपकी भी सरकार, यहाँ सरकार में आप भी शामिल हैं, यहाँ नौजवान में तेजस्वी यादव है, सब लोग मिलके आप लोग प्रमोट कर रहे हैं, आप लोग सब लोग मिलके प्रमोट कर रहे हैं। लग रहा है कि तेजस्वी यादव को बढ़ाने में कांग्रेस की भी हाथ है, जदयू की भी हाथ है, और आरजेडी की ऑलरेडी वो खुद ही हैं। अभी जो नौकरी का सिलसिला चला है, बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है, आपको याद होगा शायद कि नीतीश कुमार ने वादा किया था और दबाव देने का काम किया है, महागठबंधन के में खास करके जो तेजस्वी यादव है उन्होंने दबाव दिया है। कैसा लग रहा है आपको नौकरी के बारे में अगर आप बात करेंगे तो तेजस्वी यादव पर क्या बोलेंगे आप? नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है। तेजस्वी जी युवा है, युवाओं के प्रति और राज्य के प्रति उनकी जो भावना है वो जो है युवाओं को प्रेरित करती है। निश्चित रूप से जब पार्टी सत्ता में आई यहाँ पे, तो 10 लाख लोगों को रोजगार देने की बात हुई। ये समन्वय कांग्रेस पार्टी और अन्य जो हमारे सीपीएम वगैरह और मुख्यमंत्री तो खुद हैं ही नीतीश जी, तो वे पूरी कमेटी बैठ के एक फैसला ली जो 10 लाख लोगों को हम जो है रोजगार देंगे, तो वो वादा शुरुआत हो गया है और उस पर जो है सो समन्वय से काम चल रहा है। तो सर, अच्छी बात है। सर, ये बताइए मुझे कि अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो बिहार को देख लीजिए आप और गुजरात को देख लीजिए, क्या लग रहा है आपको दोनों राज्य में? वो तो सौतेलापन है ना, वहाँ उनकी जो है सो अपनी पार्टी की सरकार है, तो वहाँ जो है सो ज़्यादा जो है सो फंड वगैरह जो है सो प्रोवाइड हो रहा है, और यूपी में हो रहा है, जहाँ जहाँ उनकी अपनी सरकार। बिहार सरकार जमीन पर वार करा रही दरभंगा में, लेकिन एम्स बना नहीं और प्रधानमंत्री ने क्रेडिट ले लिया क्या? वो तो घोषणा कर दिया, घोषणा की सरकार ही है वो, उसने घोषणा कर दिया जो एम्स बन गया बिहार में, ये जो सो जगहसाई हुई है यहाँ से लेकर विदेश तक हमारी, इसी तरह से जो है सो मतलब बिहार, अब बिहार वाले समझ रहे हैं जो यहाँ जो एम्स नहीं बना, इसी तरह से अन्य स्टेटों के बारे में उन्होंने बयान दिया, तो वहाँ से पता करना पड़ेगा जो कहाँ क्या काम हुआ, हाँ हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा सर, आखिरी बात जानना चाहेंगे कि 2024 का चुनाव है, कैसी स्थिति रहेगी भाजपा की? स्थिति की शुरुआत हो चुकी है हमारे, अभी जो है सो 7 में 4 आपने लिया, 7 में से 4 आपने लिया, 3 से भाजपा जो है परास्त हो चुकी है। वो उपचुनाव है लेकिन ठीक है, उसमें जो है मार्जिन देखिए आप, जो मार्जिन बहुत ज़्यादा है, हजारों में, हाँ मार्जिन जिस तरह से है तो वो शुरुआत हो चुकी है, संकेत जा रहा है। अगर ये गठबंधन जो है सो इंडिया गठबंधन हमारा तन्मयता से जो है सो कांग्रेस नेतृत्व के साथ मिलकर काम करेगा, तो देश से जो है सो भाजपा और जुमलेबाज सरकार का सफाया होगा, और जो है सो देशवासियों को जो है इन जो है सो झूठ फरेब अत्याचार दुराचार
और बेरोजगारी से जो है सो निजात मिलेगी। हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को अपना परिचय आप दे दें। जी मैं, मेरा नाम कृष्णकांत झा है, कृष्णकांत झा और गुड्डू। मैं बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पूर्व सेक्रेटरी हूँ और एक बेहतर समाज सेवी हैं। आपके चैनल को धन्यवाद। हिंदुस्तानी मीडिया, आप जो है सो अच्छा काम कर रहे हैं, समाज के जो है सो मूल मुद्दों को उठा के और समाज में जो है सो जागरूकता फैलाने का कार्य कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत। अगर आप हमारा चैनल YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पहुंचती रहे। अगर आप हमारा चैनल Facebook पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर दें और लाइक कर दें।